मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर हेमंत राव हूँ। विद्यालय परिसर में सर, बीआरसी कंपोजिट विद्यालय में कल एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की संज्ञान में आया है कि कंपोजिट विद्यालय मर्दा में कल एक इस प्रकार की घृणित घटना हुई है, जिसके क्रम में विभाग की काफ़ी छवि धूमिल हो रही है। इसमें प्रधानाध्यापिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एक त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई है, जिसमें लापरवाही के कारण जो ये घटना हुई है इसके कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी के लापरवाही भरे रवैये के कारण जो इस तरीके का माहौल बना है उनके भी जांच करने की संस्तुति कर दी गई है, और अगर इसमें दोषी जो भी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच अधिकारी कौन नियुक्त किया गया? त्रिसदस्यीय जांच समिति में खंड शिक्षा अधिकारी विभिन्न श्री अविनाश कुमार जी हैं, दूसरी खंड शिक्षा अधिकारी सदर प्रीति गोयल जी, तीसरे खंड शिक्षा अधिकारी सादात को बनाया गया है। अच्छा, ये जो इस प्रकार की मुझे एक पूर्व में एक शिकायत मिली थी, जिसके लिए दो सदस्यीय जांच समिति पहले से ही गठित है जो कि जांच कर रही है, जैसे ही उसके बारे में भी रिपोर्ट आती है दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संस्तुत की। कब गठित की गई? विगत सप्ताह से ही गठित है। अच्छा, भविष्य में अब इस तरीके से घटनाएं ना हो उसके लिए आप क्या मतलब क्या बनाने जा रहे हैं? मेरे पूर्व में भी लगातार खंड शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों को लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं कि विद्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, निरीक्षण करते रहे हैं, और यहाँ अनुशासन बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर अनुशासन समिति की का गठित अनिवार्य रूप से कराएं और उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। सर, घटना घटी है, इसकी जांच FIR करा दी गई है, इसकी पुलिस की जांच। बताया जा रहा है कि विगत अधिकारी का ड्राइवर जांच गतिमान है, इसमें पुलिस जो भी निर्णय निकाल के उसके रास्ते कर रही है।